Assalamualaikum, Capricorns. मैं शेख जवार हाजिर आपका अपना सना है, कैसा गुजरेगा ये सात से तेरह मार्च का है सबसे पहले बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जो कि तकरीबन बाईस दिसंबर से लेके बीस जनवरी के दरमियान पैदा होते हैं ये सब कैप्रिकॉन्स में आते हैं और अगर कंफर्म नहीं है आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी तो आप नाम के पहले उसे देख लीजिए जो कि जीम ख़े और गाफ होंगे दो नुते वाला गाफ जो होता है ये होंगे तो भी आप जो है वो बुर जद्दी में आएंगे कैप्रिकॉन में आएंगे आपका जो रूलिंग प्लानट है ये सटन है और दिन आपसे हफ्ता मनसूब है बेहतरीन जमस्टोन में आपके लिए नीलम होता है अकीकसा होता है और इस वक्त तो लाजवत भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है क्योंकि सट्टन आपके खाना माल में मौजूद है इस वक्त अगर नीलम पहनने तो डार्क ब्लू कलर का जो है वो नीलम पहनना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हो सकता है हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम पर आपके लिए बेहतरीन जम स्टोन अवेलेबल होते हैं आप विजिट करके तो अपनी मर्जी का जम स्टोन जो है वो अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं सेक्टर आपके खाना माल में मौजूद रहते हुए आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको भी बढ़ा रहा है आपकी जो विल पावर है उसमें भी बेहतरी ले आ रहा है लेकिन कुछ कैप्रिकॉन्स जो हैं वो ये कंप्लेंट करते नजर आते हैं कि जी हमें ऐसा घबराहट हो रही है और हम बड़ी प्रॉब्लम हो जाए बुनियादी तौर पे ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हो रहे हैं कीतू की वजह से जो कि बारहवें में मौजूद है उसकी वजह से ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हैं सो आपको इसको डील करना पड़ेगा जब आप इसको डील करेंगे तो आपके बाकी मामला जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे माली पोजिशन आपकी मस्हकम रहेगी पब्लिक इमेज आपका अच्छा रहेगा मरकरी आपके खाना माल में मौजूद है आपका पूरा फोकस है कि आप जो है वो अपनी माली पोजीशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं अक्सर जो लोग हैं वो ओवरसीज़ ट्रैवल के हवाले से जो है वो फोकस्ड हैं कि हमने कुछ ओवरसीज़ की तरफ जाना है और बहुत सारे लोग जो है चैरिटी करने की तरफ अपने रुझान जो है बढ़ाएंगे आ, क्योंकि उनको फील होगा कि शायद हम इस तरफ जाएँ तो ये हमारे लिए बेहतर होगा चूंकि जो, जो कंडीशन वो स्परिचुअली फील कर रहे हैं उसमें ये बेहतर होगा और वाकई ये बेहतर भी होगा कि अगर आप जो है वो चैरिटी की तो तरफ जाते हैं तो आपके बहुत सारे मामलों परवदिगार के कंट्रोल में और जो ऑलरेडी होते हैं वो मजीद अपने कंट्रोल में परवदिगार करके आपको बहुत सारे मसाइल से जो है वो बचाता चला जाता है सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट मैं कहूँगा तीसरे घर का हाकिम सियारह आपका जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद है सो uh, so मैं ये कहूँगा कि कुछ अखराज आपको अपनी सोशल लाइफ पे अपने बहन भाइयों के ऊपर भी जो है वो करने पड़ सकते हैं जो कि बड़ा अच्छा होगा फिर तीसरे घर में ही आपके वीनस आया है जो कि आपके तल्लुत को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा आ, ये ऑलरेडी तीसरा जो नेचुरल भी तीसरा घर में जोहरा जो है ये बड़ी अच्छी पोजिशन में होता है और यहाँ पे तो ये शर्फ का इसका घर है सो ये आपके तल्लुत को बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप करने जा रहा है अगली चीज एक और होगी चूंकि आपके दसवें घर का भी हाके में यह आपके पाँचवें घर का भी हाके में सो आप बहुत सारे ट्रेवल्स करने की तरफ जाएंगे या अपनी सोशल जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाएंगे अपने कैरी रोज़गार की वजह से और ताकि आप अपने कैरियर रोज़गार को बेहतर कर सकें आप एक से जायद सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ जो है वो मूव करेंगे और ये मूवमेंट आपकी इन शाला आपके लिए बहुत ही सूदमंद जो है वो इनशाला साबित होगी आपके तल्लुत बढ़ेंगे सॉर्ट स्पोकन होंगे तहरीर और तकरीर के मामला में बेहतर भी आएगी बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए और जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स uh, के अफराद उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है और uh, बहुत ही अच्छी आपकी uh, जो है वो अपेयरेंस uh, होगी बड़ा अच्छे तरीके से आप जो है अपनी एजुकेशन सेक्टर को लेकर चल सकेंगे नज़दीकी सफ़र इस वक्त आपके लिए वसीला जफ़र साबित होंगे आप जितना भी ट्रैवल करेंगे जितनी कम्युनिकेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने सिस्टम को जो है डेवलप करने में कामयाब होंगे अपने बहन भाइयों के साथ अजीज़ कारों के साथ भी तल्लुक आपका बड़ा ही ज़बरदस्त होता नज़र आता है अलबत्त चौथे घर का हाकिम जो कि मरी है ये आपके जायचे के ग्यारहवें का भी हाकम है ये आपके जायचे के छठे चल गए अब ये छठे जाके बहुत अच्छा नहीं है सो ख़ानदान के ही कुछ अफराद घर में से ही आपसे जो छोटे हैं वो आपकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं और मैं आपको स्ट्रॉगली कहूँगा किसी भी किस्म के असले से या जो है वो जो तेज़ धार आलात हैं उससे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहिए इसी तरह कुछ दोस्त आपके भी जो है वो आपकी मुखालफत हुए जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना पड़ेगा किसी दोस्त के ऊपर इस वक्त ट्रस्ट करना या टोटली उसी के ऊपर जो है वो डिपेंड हो जाना ये बहुत बड़ी जो है आपके लिए गलती होगी इसको जरा ज़रा सा आपने एहतियात के साथ चलना है इसके अलावा प्रॉपर्टी और सवारी की ख़रीदो फरोख्त जो है उससे गुरेज कीजिएगा ना चाहते हुए भी आपको जगह की तब्दीली का सामना जो है ये करना पड़ सकता है कुछ अफराद के साथ ये भी हो सकता है पाँचवें घर का हकीम सैारा जहरा जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में है सो so, इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और यकीनी तौर पर मैं ये कहूँगा कि जिनके जायचा पैदाश में गुजाश मौजूद है उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो प्राइज बॉन्ड वगैरह में जो है वो चांस ले सकते हैं इसके अलावा सूल ओलाद के ख्वाहिशमंद जो कैपरी कॉर्न जोड़े हैं उन्हें ओलाद की खुशखबरी जो है वो मिल सकती है और इसके अलावा आपकी लव लाइफ का जो है वो आगाज़ हो सकता है आपकी मंगनी तय पाने के इमकान भी बहुत ही ज्यादा जो है वो रोशन होंगे कम से कम मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त आपकी बात चलेगी और बड़ी तेजी के साथ चल के जो है ये फाइनल हो सकती है लेकिन अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो फिर आपको अपने पर्सनल होरस्कोप की तो जाइए कैप्टिकॉन जेन में रखिएगा कुदरत आपके लिए साल में तीन चार मौके लेके आती है जबकि आपकी मंगनी तय पा सकती है जिन जो ओवर एज हो रहे हैं यकीनन उनके जाएचा पैदाइश में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उनकी एज को जो है वो सॉरी उनकी शादी को जो है वो डिले करती चली जाती है अक्सर लोगों के पास जाए वो कहते हैं जी बंदिश हुई हुई है बंदिश किस चीज़ की है भाई ये नहीं वो बताएंगे आपको अच्छा बहुत ज़्यादा जो हमारे रुझाना था वो 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 बेल्ट में ज़्यादा स्पेशली कहूँगा कि जी वो फ़लाने बंदिश कर दी फलाने बंदिश कर दी नहीं एक्चुअली नाइन्टी परसेंट जो इशूज़ हैं वो आपके जाएचे में मौजूद होते हैं एट द बर्ड टाइम ऐसा नहीं है कि जादू वगैरह नहीं होता होता है लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत ही थोड़ी है चार पाँच परसेंट नाइनटी परसेंट जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके जायचा पैदाइश में प्रॉब्लम होती है जिसको डिफाइन करके आप अपने मामला को बेहतर कर सकें सो मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि अगर आप ओवरेज हो रहे हैं तो अपना जायचा बनवा के इस वक्त अपने लिए कुछ ना कुछ कर लें क्योंकि ये वक़्त है जबकि कुदरत आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है आप इस मामले से निकल सकते हैं So, सो पे ऊपर थोड़ा सा आपने गौर करना है मुलाजमत की तब्दीली से आपको गुरेज करना है और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना होगा कोवर्कर्स भी जो है वो आपके साथ कुछ अख्तलाफ राय रख सकते हैं स्पेशली अगर आपके कोई दोस्त तो इस मामले में है जो कि आपकी जॉब की जगह पे भी है तो फिर उसके साथ कुछ अख्तलाफा आपके जो है वह सामने आ सकते हैं सातवें घर का हाकिम स्यारा एक तेज़ रफ्तार स्यारा है और बहुत अच्छी पोजिशन में जो है इनशाला रहेगा जो मैं समझता तो हूँ आठ तारीख से ही आपके संड में आ जाएगा सात को भी आ सकता है बिल्कुल सात को भी ये आ सकता है क्योंकि थोड़ी सी डिग्रीज है जैसे ही इधर होगा ये बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा शाकिय सभाजी तलुकात बहुत अच्छे रहेंगे और शरफ़ कमर इन शह इसके बाद शरफ कमर वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पूछ कर लीजिएगा हमारे जो पुराने देखने वाले वो तो जानते हैं कि ये बहुत ही एक ख़ास टाइम होता है जबकि मैं एक वीडियो देता हूँ दुआओं की कबूलियत का खास वक्त और ख़ास अमल सो इसको अगर आप कवरअप करके तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और इस बार की वीडियो बहुत ही ख़ास होगी इसमें ख़ास क्या होगा या वीडियो देख के जो है आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ख़ास क्या है और यकीन कर लें कि सारे शरफ कमर एक तरफ और ये जो इस बार आएगा इस महीने का शरफ़ कमर वो एक तरफ बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है आपके विरासती मामला आपके बैरुन मलक ट्रैवल के मामला आपके सोशाड़ी तो करब के साथ कैरियर रोजगार के मामला आपकी तरक्की होने के इमकान ये फिर भी रोशन है देखिए मैंने आपको जॉब के हवाले से कहा छोड़िएगा ना जॉब की प्रॉब्लम पर लेकिन सीनियर के साथ आपके तालुक जो है वो बेहतर हो सकते हैं नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ये एक बहुत ही आइडियल टाइम है जबकि आप जो है वो नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैरून मलक जो मुकीम हमारे अफराद हैं आपसे मैं कहूँगा सवारी और जगह की तब्दीली या ख़रीदो फरोख्त इस वक्त आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौाक़ जो है लेके आएगी सो इसको मौके को ज़ाया ना कीजिएगा अगर आपको कोई चांस मिले आप चाहते हों ज़रूर कीजिएगा इन शाला बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात तो होगी इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो के बारे में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा अल्लाफ़